पूरे परिवार में, पूरे कुटुंब में, पूरे रिश्तेदारों में कोई कोई व्यक्ति एक ऐसा पैदा होता है जो आपको और आपके कुल को तार देता है। एक कोई एक पैदा होता है। अगर एक माता के चार पुत्र हैं, एक माता की चार बेटियां हैं, एक माता के दो पुत्र हैं, तीन पुत्र हैं, पांच पुत्र हैं, छह पुत्र हैं, छह पुत्र वधु हैं, छह उनके बच्चे हैं, तो ये घर में कोई एक ऐसा पैदा होगा जो सत्कर्म में लगा रहेगा, भजन में लगा रहेगा, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम भक्ति में लगा रहेगा और वो आपको तार देगा। आज सुबह कोई माता जी कह रही थी कि महाराज हमारा बहुत बहुत घाटे में चल रहे थे, बहुत तकलीफ में थे, बहुत कष्ट जीवन में आया, पर शिव महापुराण की कथा में से हमने कुछ तत्व ग्रहण करा तो आज पूरा परिवार सुखी हो गया। तो करा उस माता ने, करा उस एक व्यक्ति ने और फल भोगा सब ने। एक अकेला भी अगर भजन कर रहा है, एक अकेला भी अगर सत्कर्म कर रहा है, एक अकेला भी नाम जाप कर रहा है, परिवार में से किसी एक ने भी भगवत भक्ति को धारण करा है, तो उसका फल संपूर्ण परिवार में, संपूर्ण कुल में प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण परिवार।